24 सितंबर 2019 को सहारनपुर में एक अजीमशान मुशायरा साहिल फरीदी मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेहरे तमाम जश्न साबिर बहेटवी और हारून साबिर फरीदी के नाम से मुनक़द किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के शायर डॉक्टर साबिर बहेटवी को साहिल फरीदी अवार्ड से नवाजा गया, जिसके कन्वीनर रहे डॉक्टर मोहम्मद अहमद अमजद साहिब और नासिर फरीदी साहिब। इस शेर के साथ इस शेर के खालिक को आवाज़ दे रहा हूँ जनाब महसूस अजमल साहब। ये सहरा है, यहाँ तहरीक में रहना जरूरी है, जरा हरकत रुकी तो चीर को भी नोच डालेंगे। इस शेर के साथ जनाब महसूस अजमल साहब। सामान्य कराम आज का जश्न मोहतरम जनाब हारून साहब फरीदी साहब और साहब फराई साहब को मुबारक हो, और यहाँ सभी इंतजामिया कमेटी ने अपने इंतजाम किए थे, मगर हालात और मौसम का अंदाजा नहीं था, मगर इंतजाम तो बड़ा क्या नासिर भाई ने सभी लोगों को। मैं ये स्टार में से एक एहसास पेश कर रहा हूँ इन चार मित्रों में, एहसास मेरा पहुंच जाएगा जहाँ पहुंचना है, ताज़ा एहसास है चार मित्र। वो जो लश्कर मुनाफिकीन की विद्रोह से चलता हो, जो लश्कर मुनाफिकीन की से चलता हो, ये कैसी भीड़ में तू खो गया, ये क्या किया तूने, ये कैसी भीड़ में तू खो गया, ये क्या किया तूने, मेरे हिस्से में थी तस्वीर तेरी सरबुलंदी की, मेरे हिस्से में थी तस्वीर तेरी सरबुलंदी की, मुकाबिल होकर छोटा हो गया, ये क्या किया तूने। छोटा हो गया, ये क्या किया तूने, ये और बात मिजाजों में इख्तलाफ रहे, ताल्लुकात मगर दोस्तों से साफ रहे। मैं इस बड़े मजमे के अंदर ये कहना चाहूंगा, मैं सबसे छोटा शायर हूँ, मेरे सीने यहाँ बैठे हैं, अगर मुझसे कहीं कभी कोई गुस्ताखे करती हुई मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ, मैं उर्दू का कोई सरपरस्त नहीं, मैं खादिम हूँ और अल्लाह मुझे खादिम रखे और खिदमत ही उनसे लेता रहे, मैंने कोशिश किया कहता दादा हमारे शहर के अंदर कहाँ हफ्ता दादी कहाँ रह गई, चल लोग रह गए, ये छोटा सा फंक्शन है, इसे चाहे तो इंतजार में बर्बाद कर दो और चाहे तैयार कर ले छोटे। मैं फिर माफी मांगता हूँ, मुझसे कहीं किसी की शान में कोई गुस्ताखी हो, मैं इसे कह रहा हूँ, ये और बात मिजाजों में इख्तलाफ रहे, ताल्लुकात मगर दोस्तों से साफ रहे। मैं आईना हूँ, मेरा मर्तबा हकीकत है, मैं आईना हूँ, मेरा मर्तबा हकीकत है, मेरी वजह से तो पत्थर मेरे खिलाफ रहे, मेरा मर्तबा मेरी वजह से जो पत्थर मेरे खिलाफ रहे, मेरे बड़े भाई फैजान नजीम साहब इस शेर को तवज्जो सुने, कि मेरी वजह से जो पत्थर मेरे खिलाफ रहे, जिन्होंने इश्क में ऐसा भी दौर गुजरा है, जिन्होंने इश्क में ऐसा भी दौर गुजरा है, तेरा मकान रहा और मेरे तवाफ रहे, हो गया मुशायरा, काम हो गया, एक
क्या
मेरी हस्ती है लेकिन कोशिश है अहबाब से बाहर ये क्या बात कही आपने कदम बुला एक बार और अगर वो इसके बस में तो मिटा लेगी मन में मेरी हस्ती है लेकिन कोशिश है अहबाब से बाहर क्या कहते हैं किसी को देखकर आंखें बड़ी बेजार होती है किसी को देखता आगे बड़ी बेजार होती है किसी का हुस्न होता है नजर की ताब से बाहर देखकर आंखें बड़ी बेताब होती है किसी का हुस्न होता है किसी का हुस्न होता है नजर की ताब से बाहर क्या कहने उसे दुनिया के दरिया का समंदर में नजर आए उसे दुनिया के दरिया का समंदर भी नजर आए जो हिम्मत करके मेंढक आ गया तालाब से बाहर दुनिया भी दरिया क्या समंदर भी नजर आए जो मेंढक करके जो हिम्मत करके मेंढक आ गया तालाब से बाहर और दो दिन शेर उसके बाद इजाजत अगर आप यहाँ में पढ़ेंगे हमें अपने शहर को हकीमत में जोड़ के चलना अपने शहर को जोड़ने के लिए मेरी ना ना क्या ना मुझे मैं तो खास साजी पेश कर सकता हूँ बहुत अच्छी बात है यह बात एक शायर मिल गया था इत्तेफाकत मुस्कुरा खत्म करके मुझसे वो कहने लगा था खत्म करके अपनी बात फायदा तुम फायदा तुम फायदा तुम फायदा बस इसी तस्वीर को फौरन ईशा के बाद पढ़ बोल रहा हूँ पढ़ता पढ़ता गुलशन-ए तालीम के जीने पे चढ़ दुश्मनों को जेर करना ही समझ की ऐसी बात भाई लातुन भाई लातुन भाई लातुन भाई बस इसी तस्वीर को बड़ा निशा के बात पढ़ो पढ़ता पढ़ता गुलशन-ए तालीम के जीने पे चढ़ दुश्मनों को जेर करना ही समझ की ऐसी बात भाई लातुन भाई लातुन भाई लातुन भाई लातुन जबरों में पूछेंगे किसे आए लोग उनकी नकीर तो ये कहना मैं उरूजी सिलसिले का हूँ फकीर अब उनमें पूछेंगे तुझसे आए लोग उनकी नकी तो ये कहना मैं उरूजी सिलसिले का हूँ फकीर काट आया हूँ मुझे ही पढ़ पढ़ के मैं पूरी आया भाई लातू भाई लातू भाई लातू वो जिनके हाथ में कम उनके सामने मुश्किल कोई संगीन होती कम उनके सामने मुश्किल कोई संगीन होती है वो जिनके हाथों में सुर आए यासीन वो जिनके हाथों में सुर आए यासीन होती है मैं शेर पेश कर रहा हूँ फैजान भाई तवज्जो का तारीफ आपके हौसला अफजाई मेरे लिए सनद होगी उस्ताद आपके कदमों में शेर पेश कर रहा हूँ वो जिनके हाथों में सुर आए यासीन होती है रहूं खामोश तो एहसान मेरे सर पे आएगा रहूं खामोश तो एहसान मेरे सर पे आएगा जुबान खोलूं तो मेरे जज्ब की तौहीन हो तो एहसान मेरे सर पे आएगा रहूं खामोश तो एहसान मेरे सर पे आएगा जुबान खोलूं तो मेरे सर की तोहीन होती है क्या बात है बस आपका सफर यहाँ से लेके बम्बई तक फिल्म से फिल्म तक साथ साथ चला है साथ साथ हमने सफर किया था और अब ट्राई भी कीजिए मैं उनसे तवज्जो का तालिब हूँ शायद वो शेर में मेरे कुछ मेरे हौसला अफजाई दूंगा कि रहूँ खामोश तो एहसान मेरे सर पर आएगा जुबा खोलूँ तो मेरे सर की तोहीन होती है ये तुमने सौंप दी किन बुजदिलों के हाथ में तेरे ये तुमने सौंप दी किन बुजदिलों के हाथ में तेरे भला करगस के अंदर जुर्रत शाइन होती है कि मुजदिलों के हाथ में देंगे भला करगस के अंदर जुर्रत शाइन होती है और किसी खुददार को खयाम का किसी खुददार को मसलन पुकारे खैर मकदम को किसी खुददार को मसलन पुकारे खैर मकदम को किसी की खैर फाई जीनत कालीन होती है किसी खुददार को क्या और तजुर्बा शेर सुखन का एक मुद्दत तक
क्या कहने बेनाजिम तजुर्बा शेरो सुखन का एक मुद्दत तक हर एक शाही से मिसरों पर कहाँ तस्मीन होती है।